हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड कंप्यूटर सब्जेक्ट से एमसीक्यू पार्ट वन, जिसमें मैं तीन चैप्टर्स को इंक्लूड करूँगी। चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इट्स पार्ट्स एंड कंप्यूटर इट्स यूजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ, ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, बी मेमोरी, सी फिलिंग एंड डी इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गिवन डिवाइस। ये इन डिवाइस हैं, डिवाइस दिया गया है, इसमें संबंधित करेक्ट ऑप्शंस या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का एक प्रकार है। ऑप्शन बी इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे हम एक जगह से दो जगह कैरी करके ले जा सकते हैं आसानी से। एंड सी इट इज़ कॉल्ड लैपटॉप, इसको लैपटॉप कहते हैं। एंड डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये सारे स्टेटमेंट इस लैपटॉप के अकॉर्डिंग सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राधा वांट्स फॉलोइंग टास्क। राधा कुछ काम करना चाहती हैं। ऑप्शन ए वॉच मूवी, मूवी देखना चाहती है। बी प्ले गेम्स, गेम्स खेलना चाहती है। एंड सी प्ले सॉन्ग और गाना सुनना चाहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सी कैन यूज, इनमें से वह कौन से डिवाइस का यूज कर सकती है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए लैपटॉप है, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड सी टैबलेट एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इन सभी से राधा मूवी, गेम्स एंड सॉन्ग देख सकती है, खेल सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। इनमें से कौन से पार्ट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन ए सीपीयू, बी माउस, सी मॉनिटर एंड डी कीबोर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज वीडीयू स्टैंड फॉर। वीडीयू इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बी वीडियो डिस्प्ले यूनिट, सी वर्सेटाइल डिजिटल यूनिट या डी डिजिटल डिस्प्ले यूनिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, वेब कैमरा इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए लिसन म्यूजिक, बी वीडियो चैटिंग, सी राइटिंग या डी प्लेइंग गेम्स। वेब कैमरा का यूज़ हम किस काम के लिए करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वीडियो चैटिंग। वीडियो चैटिंग के लिए हम वेब कैमरा को यूज़। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर आर यूज्ड टू टाइप लेटर एंड डॉक्यूमेंट इन। कंप्यूटर पर हम लेटर और डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, कहाँ पर। ऑफिस में, बी शॉपिंग मॉल्स, सी होम्स या डी एटीएम्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑफिस। ऑफिस में है हम कंप्यूटर का यूज लेटर टाइप करने एंड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्यूटर कैन यूज़ फॉर आई टेस्टिंग इन। कंप्यूटर का यूज़ हम आई टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, कहाँ पर। ऑप्शन ए हॉस्पिटल में, बी बैंक में, सी ऑफिस में या डी होम पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हॉस्पिटल में। कंप्यूटर से आँख को चेक हम कहाँ करवाते हैं, हॉस्पिटल में। हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम।
क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज्ड फॉर, कंप्यूटर का हम घर में क्या यूज्ड करते हैं? ऑप्शन ए क्लीनिंग द रूम, रूम को साफ करने के लिए। ऑप्शन बी कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए। सी वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए। या डी चैटिंग विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ चैट करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चैटिंग विथ फ्रेंड्स। घर पर हम कंप्यूटर्स का यूज फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हैज टू और थ्री बटन्स। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी माउस, सी सीपीयू एंड डी नन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माउस। माउस हैज टू और थ्री बटन्स। क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच हैज मेनी बटन्स। ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी सीपीयू, सी मॉनिटर या डी स्पीकर। इनमें से कौन से कंप्यूटर के कौन से पार्ट में बहुत सारे बटन्स होते हैं? सो कीबोर्ड में हम जानते हैं छोटे 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 104 बटन्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कंप्यूटर इज नॉट यूज फॉर एजुकेशन। इनमें से कौन सा एरिया है जहाँ पर हम एजुकेशन पर्पस से कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं? बच्चों ध्यान क्या रखना, नहीं करते हैं। ऑप्शन ए स्कूल, बी कॉलेज, सी होम्स या डी बैंक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बैंक। इन बैंक कंप्यूटर्स आर यूज फॉर बैंकिंग ऑपरेशन सच एज टू डिपॉजिट मनी, टू विदड्रॉ मनी एसेट्रा। एजुकेशन पर्पज से कंप्यूटर को हम यूज़ स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं एंड घर में कर सकते हैं, लेकिन बैंक में कंप्यूटर का यूज़ हम एजुकेशन पर्पज से नहीं करते हैं। वहाँ पर हम बैंकिंग ऑपरेशन के लिए जैसे डिपॉजिट मनी को जमा करना, मनी को निकालना, इन सभी कामों के लिए करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए लैपटॉप, बी पाम टॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर एंड डी माई कंप्यूटर। डेस्कटॉप को और हम क्या कहते हैं इनमें से चार ऑप्शंस में से? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप को हम पर्सनल कंप्यूटर और पीसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी केप्ट ऑन आवर पाम। इनमें से कंप्यूटर के कौन से प्रकार को हम अपने पाम या हथेली में रख सकते हैं? ऑप्शन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पाम टॉप या डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पाम टॉप। पाम टॉप को हम अपने पाम में रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, UPS स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए यूनिट पावर स्टैंड, बी यूनियन पावर सप्लाई, सी यूनियन इंटरप्टेड पावर सप्लाई या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूनियन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS प्रोटेक्ट फॉर कंप्यूटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएशन। UPS जो है कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएशन से बचाता है, उससे रक्षा करता है। इट कंटेन ए बैटरी इन विच रिपेयर मेन सप्लाई टू गेट चार्ज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल का बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमारे वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।